लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नाटो देशों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके बाद से रूस पूरी तरह बौखलाया हुआ है। पुतिन के सहयोगी और सुरक्षा परिषद के उप सचिव दिमित्री ने धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब बढ़ रही है। पुतिन के सहयोगी दिमित्री ने जोर देकर कहा है कि ये सहायता रूस को अपने लक्ष्य को हासिल करने से नहीं रोक सकेगी। पूरी तरह से पागल पश्चिम देश और भी कुछ नहीं सोच सका है, ये एक डेड एंड है, तीसरा विश्व युद्ध करीब है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अपने लक्ष्यों के साथ जारी रहेगा। इस बीच G7 देशों ने नाटो शिखर सम्मेलन से अलग एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं और यूक्रेन के साथ जब तक संभव हो तब तक खड़े रहने का वादा किया है। यूके, अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एयर डिफेंस सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियां देने से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेनी पायलटों को और अधिक ट्रेनिंग देने का वादा किया है। ब्रिटेन का कहना है जो भी यूक्रेन को ऑफर किया जाएगा वो एग्रीमेंट में लिखा होगा। इधर G7 नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि वो रूसी आक्रमकता के खिलाफ जब तक जरूरत हो वो खुद का बचाव करता रहेगा। इसके अलावा यूक्रेन की डिफेंस सिस्टम को बढ़ावा देना और साइबर सपोर्ट का भी लक्ष्य G7 में रखा गया है। इस दौरान लगातार बढ़ रहे युद्ध के बीच पुतिन कई बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। हफ्ते भर पहले भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है और परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए पश्चिमी देश दोषी हैं। वहीं पुतिन के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन को मदद देने के बेहद खतरनाक परिणाम होंगे। यूक्रेन को मदद देना रूस की सुरक्षा के खिलाफ माना जाएगा। दिमित्री के इस बयान से तो लगभग माना जा रहा है कि नाटो देश की बैठक के बाद से रूस पूरी तरह बौखलाया हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य शक्ति की बढ़त हासिल करने के उद्देश्य के साथ ही अपनी सामरिक रणनीति को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर क्लस्टर या थर्मोबेरिक हथियार से हमला करने की धमकी दे रहे हैं। अगर युद्ध में कुछ ऐसा हुआ तो ये युद्ध रूस यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि क्लस्टर और थर्मोबोरिक का असर दुनिया भर में काफी लंबे समय तक देखा जाएगा। इन हथियारों से तबाही कई गुना हो जाएगी। दोनों देश अभी युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। खैर, अभी ये बता पाना मुश्किल है कि ये युद्ध कहां तक जाएगा। युद्ध को लगभग 500 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम अभी भी शून्य है।